हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रांसफार्मर। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे कि उसका वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो, जैसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। जो ट्रांसफार्मर है, जो एक स्टैटिक डिवाइस है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफर करता है सेम फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ट्रांसफार्मर है, जो स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस हम किसको बोलेंगे, यहाँ पे जो इमेज में मोटर दिखती है उसमें रोटर होता है। जो रोटर क्या करता है, रोटेटिंग होता है, जो उसको मूविंग पार्ट बोलते हैं। जहाँ पे ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं रहता है, जो स्टैटिक रहता है, उसको हम स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। सेकंड है अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक पावर, जो वन सर्किट टू अनदर सर्किट पावर ट्रांसफर करता है, जो एसी पावर को ट्रांसफर करता है सेम फ्रीक्वेंसी। जो ट्रांसफार्मर है, जो सेम फ्रीक्वेंसी में पावर ट्रांसफर करता है टू वन सर्किट टू अनदर सर्किट, जिसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। चलिए फ्रेंड, आके देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर में दो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहती है और एक मैग्नेटिक सर्किट रहती है। जो दो इलेक्ट्रिक सर्किट रहती है, जो एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक थ्रू कनेक्ट रहती है, इसीलिए आगे विदाउट एनी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक कनेक्शन। मतलब जो दो सर्किट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट है, जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है, जो मैग्नेटिक सर्किट थ्रू कनेक्ट रहती है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है जो म्यूचुअल इंडक्शन से वर्क करता है, जो इट चेंज द वोल्टेज लेवल, जो वोल्टेज को अप करता है और डाउन करता है ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे पावर को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे, जो P इज इक्वल टू VI है उसको हम कॉन्स्टेंट रखेंगे। यहाँ पे वोल्टेज को अप और डाउन करेंगे, जैसे वोल्टेज को हम अप और डाउन करेंगे तो करंट भी अप और डाउन होगा। यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया है। तो इसके पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज हम क्यों करते हैं। जहाँ पे पावर प्लांट है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, तो हम पहले स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो पावर प्रोड्यूस होता है, जो 11 तो वो 11 केवी हम ट्रांसफर करेंगे ट्रांसमिशन लाइन टू, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, लॉसेज आएगा, तो हमारा पावर ट्रांसफर नहीं होगा, ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हमने पहले स्टेप अप करते हैं, जहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, उसमें हम पहले स्टेप अप करते हैं। जो हमारा घर में पावर आता है, जो 220 वोल्ट आता है, तो उसका स्टेप अप करके हम डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम जहाँ पे सब स्टेशन होता है वहाँ पे हम स्टेप डाउन करते हैं, फिर हम यूज करते हैं। तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। जो यहाँ पे मैंने सर्किट ड्रॉ की है, जो यहाँ पे प्राइमरी साइड है, यहाँ पे सेकेंडरी साइड है। हमने बात की थी कि दो इलेक्ट्रिकल सर्किट रहती है, ए वन सर्किट है, ए अनदर सर्किट है, जो एक मैग्नेटिक सर्किट थ्रू कनेक्ट रहती है। तो उसमें क्या रहता है, यहाँ पे प्राइमरी है, जो यहाँ पे वोल्टेज होगा, जो प्राइमरी होगा वीपी होगा, जो करंट होगा, जो प्राइमरी होगा आईपी होगा, यहाँ पे जो आउटपुट में जो वीएस होगा, जो वोल्टेज होगा वो सेकेंडरी होगा, करंट होगा जो सेकेंडरी होगा आईएस होगा। पे प्राइमरी टर्न है, यहाँ पे सेकेंडरी टर्न है, जो दोनों सेम नहीं रहता है, जो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी साइड है जो टर्न है वो ज्यादा रहता है और सेकेंडरी साइड कम रहता है, इसलिए हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो प्राइमरी साइड कम रहता है, जहाँ पे सेकेंडरी साइड ज्यादा रहता है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोर है जो लेमिनेटेड है, और यहाँ से जो फ्लक्स है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो कैसे होता है हम देख लेते हैं। टू इलेक्ट्रिक सर्किट है, प्राइमरी साइड इलेक्ट्रिक सर्किट है, सेकेंडरी साइड इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो वन मैग्नेटिक सर्किट थ्रू कनेक्ट है। जैसे हम यहाँ पे पावर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फैराडे लॉ के मुजब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है जो प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यू अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ से फ्लो होगा सेकेंडरी साइड, तो हमारा करंट भी फ्लो होगा और हमारी सेकेंडरी साइड हो जो पावर है आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया है जिसमें प्राइमरी टर्न एंड सेकेंडरी टर्न सेम है,
जितना यहाँ पे पावर आएगा, जितना यहाँ पे वोल्टेज होगा इनपुट में, इतना ही सेकेंडरी में वोल्टेज होगा। तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, जिसका इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है और आउटपुट भी 230 है। तो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज हम इसी जगह पे करेंगे जहाँ पे हमको लोड है उसका प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे। जहाँ पे वोल्टेज का वेरिएशन ज्यादा रहता है वहाँ पे हम प्रोटेक्शन के लिए हम ये ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो टर्न रेशियो के पे डिपेंड रहता है। यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज है, इज इक्वल टू प्राइमरी टर्न्स एंड सेकेंडरी टर्न्स इज इक्वल टू ए, मतलब ए है जो लेस देन वन होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और ग्रेटर देन वन होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो बेस्ड ऑन फंक्शन है, और भी ट्रांसफार्मर का टाइप रहता है बेस्ड ऑन सप्लाई, बेस्ड ऑन वाइंडिंग, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर आता है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो, जैसे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल अड्डा।